हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्ज़ा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज़ में। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है, मगर ये विवाद क्यों मचा? वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, देश में कितने वक्फ बोर्ड है, किस कानून के तहत इनका गठन होता है, बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। डिजिटल टैक्स नई दिल्ली गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि विपक्षी दल विधेयक का जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। उधर सरकार का कहना है कि वो वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं का दूर करना चाहती है। संशोधन के बाद गैर मुस्लिम व्यक्तियों और मुस्लिम महिलाओं को भी केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में शामिल किया जा सकेगा। ऐसे में आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े 10 अहम सवाल और उनके जवाब। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जा सकता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ दूषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। ये एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड है। कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य? वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति भी है। वक्फ बोर्ड मेंबर अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। क्या करता है बोर्ड? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण व रख रखाव करता है। क्या है वक्फ एक्ट 1954? देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया। क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद? केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनी नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधान के मुताबिक गठन किया गया। इसे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से संबंधित मामले में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख
एकड़ से ज़्यादा जमीन है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति के कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत 32 वक्फ बोर्ड है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। सवाल उठता है कि इस पे विवाद क्यों हो रहा है, क्यों मामला इतना गर्म है। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलियो की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर ये प्रतिक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ दूषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ रहती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने के खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधायक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये आपको पूरी वजह बताते हैं कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है। 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे चिरुचेंदुए गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क ये है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता क्लब और बेंगलुरु में ITC विडनसर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा है। सरकार और विपक्ष का तर्क, सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है, इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर माफियों का कब्जा है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है, इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया। कांग्रेस ने इसी संविधान का उल्लंघन बताया तो वही मायावती ने कहा है कि संस्कृत राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म सरकार निभाए।